दोस्तों आपने मैसेज और कमेंट्स किए थे कि हमें ऐसे और भी साइट्स बताएं जहां से हम पेटीएम मनी यानी पेटीएम कैश जो है कमा सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैंने आपके लिए और एक वेबसाइट लेके आया हूं जहां पर आप पेटीएम कैश जो है अर्न कर सकते हैं। और वहां पर जो आप रिडीम लगाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम आप 100 रुपए पर ही रिडीम लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप 2000 तक रिडीम आप लगा सकते हैं। ओके, यानी 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जब भी आपका मर्जी हो तब पेटीएम कैश जो है ले सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें, वहां उस साइट पर अकाउंट बनाए काम करें, काफी बढ़िया साइट है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लेजिट है। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश दास, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग मेंटर। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा दें, ध्यान रखें ऑल नोटिफिकेशन की भी आपको जरूर ऑन करना है ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, आप देख सकें सबसे पहले। और दोस्तों वेबसाइट जो है रकुतेन इनसाइट है। ओके, ये वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा मैंने, उस पे जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ओके, in.m.aipsurvey.com ये वेबसाइट का यूआरएल जो है, मैं आपको इस वेबसाइट का अबाउट अस पेज पे जाके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये कंपनी का नाम आप देख सकते हो, रकुतेन इनसाइट ग्लोबल। ओके, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अवेलेबल है। ओके, तो प्राइमरीली यहाँ पर जो है यूरोप और यूएस और एशिया के लिए ये बेस्ट है, ये सर्वे प्लेटफॉर्म सर्वे साइट जो है। तो दोस्तों सर्वे बेसिकली होता क्या है कि आपको आपका ओपिनियन जो है देना होता है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के ऊपर। तो आपका जो वैल्यूएबल ओपिनियन होता है उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट का मार्केट में क्या वैल्यू है। ओके, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का डेवलपमेंट जो है किया जाता है बेहतर से बेहतर, आगे से आगे। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी सर्वे करते हैं तो आपको ई पॉइंट्स मिलता है। ओके, ई पॉइंट्स को आप इंडियन रूपी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, पेटीएम कैश ले सकते हो, और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। और ई पॉइंट्स जो है, एक ई पॉइंट होता है 1 रुपए। ओके, एक इंडियन रूपी होता है। आप यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए 16 साल से ज्यादा उम्र का यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कैसे अकाउंट बनाना है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आपने योग ऑफ इंडिया का जो वीडियो है और ये साइट को जो है काफी आपने पसंद किया है और यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिडीम जो है लगा चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं। और ये जो है एक सर्वे रिवार्डिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर भी आप पेटीएम कैश जो है कमा सकते हैं। ओके, यहाँ पर सर्वे करके जब आपका पॉइंट स्टोर होता है तो आप 3600 रुपये का पेटीएम कैश जो है ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी मैं दे दूंगा, जाके आप इसी वेबसाइट के बारे में आप जान सकते हो और यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो अकाउंट बना के। ओके, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। ओके, जैसे आप जाएंगे आपको एक एग्रीमेंट से गुजरना होगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर टर्म्स एंड नोटिस मेंबर रजिस्ट्रेशन का, कि आप इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए। ओके, इंडिया के होना चाहिए और 16 साल से ज्यादा आपका एज जो है होना चाहिए आपको उम्र। अगर आप मार्केटिंग फार्म और आर एजेंसी से है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते, एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अगर एक से ज्यादा अकाउंट बनाएंगे तो आपका दोनों अकाउंट यहाँ पर बैन हो जाएगा। वी मे कॉल यू टू कंफर्म योर आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपका देंगे आप सही सही भरिए, जो करेक्ट होगा आपका आईडी के हिसाब से। ओके, वरना ये बाद में जो आपसे आईडी मांगेंगे उस आईडी से अगर आपका मैच नहीं होगा जो इंफॉर्मेशन आपने दिए हो सकता है अकाउंट बैन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से आपको यहाँ पर 5 स्टेप जो है कंप्लीट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज जैसे ही करेंगे आपको प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है आ जाएगा। ये जो मेंबर एग्रीमेंट विफर रजिस्ट्रेशन जो है आपको इसको यहाँ पर पढ़ देना होता है। ओके, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर लिखा गया है सब कुछ। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ पर देखिए, आप आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर कभी भी चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार यहाँ पर दे दिए तो। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि आप आपका आईडी के हिसाब से यहाँ पर आप सब फॉर्म जो है फिल कीजिए। ओके, सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी जो है देना होता है। ओके, यहाँ पर जो पासवर्ड आप देंगे वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और कुछ सिंबल आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, P.10.7894 इस तरह से ही आपको एक पासवर्ड जो है देना होता है। यानी यहाँ पर कैपिटल लेटर जो है आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, सिंबल भी आ गया और नंबर भी आ गया। ओके, इस तरह से ही आपको एक पासवर्ड जो है रख देना होता है।
ईमेल आईडी के बाद आप आपका पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिए और पासवर्ड नीचे आप यहाँ पर कॉन्फर्म जो है कर दीजिए। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर दे दीजिए, अगर मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, और अगर लास्ट नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर आप दीजिए, जैसे ही मैंने आपको कहा था जो जो आपका आईडी पे है सही से आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर भरिए। ओके, आपका जेंडर यहाँ पर दीजिए, मेल हो या फिर फीमेल, आई एग्री आपको यहाँ पर करना है, और ये जो कैप्चा है इसको आपको सॉल्व कर लेना होता है। वैसे ही ये कैप्चा जो है आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सबमिट प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना होता है। ओके ठीक है, जिससे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपका ईमेल आईडी पर इस तरह एक कंफर्मेशन ईमेल जो है जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ईमेल जो है वेरीफाई करने के लिए। ओके देखिए इस तरह से ही आपको एक ईमेल जो है मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको लिंक मिलता है इस लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेना होता है। इस तरह से ही आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई जो है हो जाता है। उसके बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है देना है यहाँ पर, जैसे आपका स्टेट, आपका एरिया, आपका फोन नंबर, आपका कम्युनिटी, ऐसा ही। ओके, तो आपका यहाँ पर आपको स्टेट देना है, आपका एरिया, आप कहाँ पर रहते हैं, ओके देना है। फोन नंबर जो है आपको यहाँ पर देना है, अगर होम फोन नंबर नहीं है लैंड नंबर तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेटीएम पर पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो पेटीएम पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जिस नंबर पे आपका पेटीएम है उसी नंबर आप यहाँ पर मोबाइल फोन नंबर पर दीजिए। ओके, ज्यादातर लोग जो है पेटीएम कैश लेना चाहते हैं तो पेटीएम पर जो नंबर है उसी नंबर देना आपके लिए बेटर ही रहेगा। यहाँ पर कम्युनिटी जो है आपका लैंग्वेज क्या है आप यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर कर दीजिए, जैसे बंगाली, गुजराती। ओके, ये सब भरने के बाद आप रजिस्टर बेसिक प्रोफाइल पर जाना होता है। ओके, यहाँ पर आ गया है, देखिए वेलकम टू रैकुटेन इनसाइट सर्विस, टेक सर्विस, शेयर योर थॉट्स एंड ऑल नीवर्ड। ये हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट जो है हो गया है। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पर आपका अकाउंट जो है लॉगिन कर सकते हैं और सर्वे लेके आप ई पॉइंट जो है यहाँ पर कमा सकते हैं। ओके, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक कैप्चा जो है आ जाएगा, इस कैप्चा को आपको सॉल्व कर लेना होता है। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन जो है कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो जो आपको सर्वे मिलते हैं, आपको प्रोफाइल का रिगार्डिंग मिलता है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ, तो इसको हम क्लोज करते हैं। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश के अलावा आप हिंदी दे सकते हैं लैंग्वेज, और हिंदी के अलावा जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर आता है तो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। ओके, और प्रोफाइल के अंदर आपका मैरिटल स्टेटस, आपका कम्युनिटी, एजुकेशन, ओके, एनुअल इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप यहाँ पर टोटल आप दे दीजिए, इसके हिसाब से ही आपको सर्वे मिलता है यहाँ पर। ओके, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका कम्युनिटी, आपका एजुकेशन, आपका एनुअल हाउस होल्ड इनकम, आपका एनुअल पर्सनल इनकम जो है। ओके, तो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आपका जॉब फंक्शन जो है आप यहाँ पर सेट कीजिए, आपका जॉब का टाइटल और आपका इंडस्ट्री। उसके बाद आपका जो पोस्टल कोड है उस कोड को आप यहाँ पर देना है, और एड्रेस लाइन वन और एड्रेस लाइन टू के अंदर जहां पर आप रहते हैं आप यहाँ पर एड्रेस दीजिए और अपडेट जो है कर देना होता है। ओके, बस इस तरह से ही आपका बेसिक प्रोफाइल जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बेसिक प्रोफाइल के बाद आपका डिटेल प्रोफाइल आप देख सकते हैं, कुकी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, डिटेल प्रोफाइल के अंदर आपका फैमिली, आपका ऑटोमोटिव, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवल और इंटरनेट, गेम्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ, ये सब आपको देना है एक एक पर क्लिक करके। मैं यहाँ पर एक करके आपको दिखा रहा हूँ। फैमिली साइज जो है, आपका टोटल चिल्ड्रन यहाँ पर कितना है आपका फैमिली पे। ओके, चिल्ड्रन के डिटेल जो है आपको यहाँ पर देना होता है, चाइल्ड वन जेंडर और चाइल्ड टू जेंडर, डिसीजन मेकिंग विथ द हाउस होल्ड ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड गुड यहाँ पर इन्वॉल्व है, फिर फाइनल डिसीजन मेकर है तो आप देख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग विथ द हाउस होल्ड कार्स। ओके, इंश्योरेंस का फाइनल डिसीजन मेकर, तो आप फाइनल डिसीजन मेकर है या फिर इन्वॉल्व वहां पर रहते हैं या फिर उसमें आप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, इसको आपको सेट करना है डिसीजन। ओके, तो इस तरह से ही आपको यहाँ पर एक एक करके चूज करना है, चूज करके आपको यहाँ पर जो है अपडेट प्रोफाइल जो है कर देना होता है। ओके,
इस तरह से आपका प्रोफाइल जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, पहला फैमिली, उसके बाद ऑटोमोबाइल का प्रोफाइल आप सेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से एक एक करके आपको यहाँ पर फिल जो है कर देना होता है। ओके, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है कि नहीं, आपका आपके पास कितना कार्स है उसको आपको सेल करना है। ओके, जो कार है आप उसको कार का मॉडल जो है आपको यहाँ पर से जो है सिलेक्ट करना होता है। ओके, आप कब इस कार को जो है परचेज किए थे। ओके, तो यहाँ पर न्यू है या फिर सेकेंड हैंड है इसको आपको सेट करना होता है। सेट करके आपको यहाँ पर जो है अपडेट करना होता है। यहाँ पर प्रोफाइल जो है सिलेक्ट आपका अपडेट हो गया, उसके बाद आप ये एम्प्लॉयमेंट का जो है यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल कंप्लीटेशन जो है हमारा 45% हो गया। इस तरह से ही आपको एक एक करके ये सब कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीटेशन जो है 100% यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्वे पर जाएंगे, हो सकता है तुरंत जो अकाउंट आप बनाए हो तब देखने को नहीं मिले यहाँ पर, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर सर्वे दिखाई देगा। और सर्वे आप अगर यहाँ पर लॉगिन डेली आप करना नहीं चाहते हैं तो ईमेल तो आपने चेक करते हैं डेली, तो ईमेल पर आपको सर्वे जो है मिल जाता है। वहां पर डायरेक्टली जाकर आप सर्वे कर सकते हैं और ई पॉइंट जो है जीत सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ई पॉइंट जो है मिलता है उसको आपको रिवार्ड जो है लेने के लिए आपको रिडीम ई पॉइंट पर जाना है। जैसे ही आप रिडीम ई पॉइंट पर जाएंगे आपको यहाँ पर रिडेम्पशन का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। और कैसे आपको रिडीम करना है हाउ टू के अंदर आप देख सकते हैं। जैसे आप रिडेम्पशन पर जाएंगे पेटीएम, अमेजोन और फ्लिपकार्ट तीनों का ऑप्शन दिखाई देगा। और तीनों में जो है आपका मिनिमम जो अमाउंट है आप 100-100 रुपए जो है ऑर्डर ले सकते हैं। फिलहाल अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन वाउचर जो है गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। अगर आपको पेटीएम पर फंड चाहिए तो पेटीएम पर यहाँ पर आपको ऑर्डर लेने के लिए पेटीएम 100 ई पॉइंट, उसके बाद आप 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 तक आप पेटीएम फंड जो है यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो 100 रुपए जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर रिडीम जो है लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितना पता है यहाँ पर दो मैक्सिमम 2 to 3 सर्विस करते ही आपका यहाँ पर 100 ई पॉइंट जो है हो जाता है। यानी 1 ई पॉइंट होता है 1 रुपए, तो 100 ई पॉइंट जो है आपका 100 रुपए जो है यहाँ पर बन जाता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यहाँ पर डेफिनेटली आप काम करें और सर्वे करें और ऑर्डर ले लें पेटीएम पर। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए जरूर, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें जरूर हमारे चैनल। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। रहते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।